हे फ्रेंड्स, क्या आप ज्यादा पैसे बनाना चाहते हैं और अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं? तो उसका सबसे आसान तरीका है क्रिएट मोर वैल्यू। वेलकम बैक, मैं हूं सैम राहिल और आप बिजनेस मैजिक के चैनल पे हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं आपके साथ ये शेयर करता चलूँ कि इस चैनल पे हम वीडियोस क्रिएट करते हैं और कंटेंट आपके सामने लाते हैं कि जिसको यूज़ करते हुए आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं और अपनी फैमिली के लिए एक सक्सेसफुल और एक इंडिपेंडेंट लाइफ क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ मैं कि ज़्यादा पैसे किस तरह बनते हैं, एक्चुअली पैसे बनते ही किस तरह हैं। पैसे अगर आप देखें तो दुनिया में वैल्यू क्रिएट करने से बनते हैं। जितनी आप ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करते हैं उतने ही आप ज़्यादा पैसे बना सकते हैं। अब ये वैल्यू क्रिएशन क्या है, आइए डिस्कस करते हैं। वैल्यू आप दुनिया में तब क्रिएट करते हैं जब आप इन चार में से कोई एक चीज सॉल्व करते हैं। पेन, प्रॉब्लम, वांट या नीड, राइट? अगर आप इन चार में से किसी के लिए भी कोई चीज सॉल्व कर रहे हैं, उनको डिलीवर कर रहे हैं, तो आप वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। तो आइए पेन या प्रॉब्लम की एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से कि आपके दांत पे दर्द है, अजीब सा टूथ है बट काम चलाने के लिए सही है। तो लेट्स से कि आपके दांत पे दर्द है, अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं। या तो आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे जो आपको चेक करेगा और आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेगा और आप उस डेंटिस्ट को पैसे देंगे, तो डेंटिस्ट ने आपके लिए वैल्यू क्रिएट की और डेंटिस्ट ने उस तरह पैसे बनाए। दूसरा तरीका यह है कि आप फार्मेसी जाएंगे और फार्मेसी में से पेन किलर लेंगे, पैनाडोल, पैनाडोल, टैलेनॉल, पैरासिटामोल, जो भी आप लेंगे, तो उस दवाई ने आपका प्रॉब्लम सॉल्व किया और वो दवाई बनाने वाले ने पैसे बनाए। तो सबसे आसान तरीका, सबसे क्विकेस्ट तरीका पैसा बनाने का ये है कि आप किसी की पेन या किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करें। ओके, दूसरा तरीका ये है कि आप किसी की वांट या किसी की नीड सॉल्व करें। ओके, नाउ ये चारों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, बहुत सारी चीजें ओवरलैप हो रही हैं, लाइक एक्सेप्ट फॉर वांट के। बहुत सारी चीजों की कस्टमर्स को जरूरत नहीं होती बट उन्हें फिर भी चाहिए होती है, राइट? जैसे कि अगर आपके दांत में दर्द है तो वो दर्द से छुटकारा पाना आपकी नीड है। ओके, बट अगर आपके पास 5 शर्ट हैं और आपको छठा शर्ट चाहिए तो वो आपकी वांट है, राइट? तो अगर आप कस्टमर्स के लिए वांट सॉल्व कर रहे हैं तो भी आप उससे पैसा बना सकते हैं, वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। यू नो, वांट की और भी एग्जांपल्स क्या है, ज्वेलरी, राइट, और क्लोथ्स, कार्स, राइट? ये सारी वो चीजें हैं कि जिनकी हमें जिंदा रहने के लिए जरूरत नहीं है बट हमें फिर भी चाहिए, तो ये हमारी वांट है, राइट? तो आप वांट के थ्रू भी वैल्यू क्रिएट करके पैसा बना सकते हैं। इस इक्वेशन का एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि बहुत सारे लोग मिस करते हैं और वो है वैल्यू की डिलीवरी। ओके, तो अब आपने किसी का पेन, प्रॉब्लम, वांट और नीड सॉल्व करने के लिए आप तो तैयार है, यस, बट आपको वो चीज डिलीवर भी करने की जरूरत है। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? देखिए, अगर वैल्यू डिलीवर नहीं हो रही है तो आप पैसा नहीं बना रहे। ओके, इसका मतलब क्या कि अगर एक डेंटिस्ट घर पे बैठा हुआ है, राइट, तो वो किसी के लिए वैल्यू क्रिएट नहीं कर रहा है, तो वो वैल्यू डिलीवर नहीं कर रहा, तो वो पैसे नहीं बना रहा। अगर आपके पास एक शर्ट है और वो शर्ट स्टोरेज में पड़ा हुआ है
और कोई कस्टमर बाय नहीं कर रहा, तो आपने वैल्यू डिलीवर नहीं की और आपने सब्सिक्वेंटली पैसा नहीं बनाया। तो वैल्यू क्रिएशन ही सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, वैल्यू की डिलीवरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और डिलीवरी को रियल वर्ल्ड टर्म्स में हम कहते हैं सेल्स एंड मार्केटिंग। कि आप किस तरह वैल्यू कस्टमर्स तक पहुंचा सकें ताकि आपको सामने से उसका रिटर्न मिल सके। तो फ्रेंड्स, वैल्यू की क्रिएशन, वैल्यू की डिलीवरी विच इंक्लूड सेल्स एंड मार्केटिंग, ये 80% ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज है। बाकी का 20% छोटी छोटी चीजें हैं, बुक कीपिंग, बेसिकली HR, राइट, एडमिन वगैरह, ये वो। बट अगर आप ये तीन चीजों को मास्टर कर लेते हैं तो आप एक सक्सेसफुल बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो अब आइए डिस्कस करते हैं कि अगर आपके पास बिजनेस नहीं है तो आप किस तरह एक नया बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं वैल्यू के प्रोपोजिशन से। ओके, तो अगर आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो नए बिजनेस के लिए आप अपने आप से ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि मैं अपने कौन से स्किल्स यूज कर सकता हूं मैं किसी के लिए वैल्यू क्रिएट करने के लिए। ओके, अब स्किल्स एंड स्किल्स, स्किल कोई छोटा भी हो सकता है और स्किल बड़ा भी हो सकता है, स्किल आम भी हो सकता है, स्किल खास भी हो सकता है। बहुत सारे लोग अपने बेसिक स्किल्स को इग्नोर करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपको गाड़ी चलाना आती है तो ये एक स्किल है, इस स्किल को आप यूज करते हुए बेसिकली ऊबर ड्राइवर बन सकते हैं, अपनी टैक्सी चला सकते हैं, अपनी ट्रांसपोर्टेशन कंपनी खोल सकते हैं, राइट? इसी तरह अगर आपको कुकिंग का स्किल आता है तो कुकिंग का स्किल कन्वर्ट हो सकता है एक रेस्टोरेंट के अंदर, एक केटरिंग बिजनेस के अंदर, राइट? तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप कौन सा नया बिजनेस स्टार्ट करें और आप किस तरह अपने कस्टमर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करेंगे, तो मेरी आपको रिकमेंडेशन है कि आप अपने सब स्किल्स की एक लिस्ट बनाइए। इसलिए कि जो स्किल आपके पास है वही स्किल आप यूज करते हुए नया बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, और अगर आपके पास कोई ऐसा स्किल नहीं है कि जिसको आप एक बिजनेस पे कन्वर्ट कर सके, या आप अपने करंट स्किल्स को यूज करते हुए नया बिजनेस नहीं खोलना चाहते और कुछ नए स्किल्स मतलब कि हासिल करना चाहते हैं, तो मैं आपके साथ चार रिसोर्सेज शेयर करना चाहता हूँ मैं, जहाँ पे आप जाके नए स्किल्स की ट्रेनिंग ले सकते हैं फॉर फ्री, फॉर फ्री। सो द फर्स्ट वन इज Udacity, दूसरा है edx.org, तीसरा है Khan Academy, और द फोर्थ वन इज आई थिंक इट्स UNO की एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है कि जिसमें आप जाके फ्री ट्रेनिंग ले सकते हैं। इन सब के लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर डालूंगा मैं। तो अगर आपके पास ऐसे स्किल्स नहीं है तो आप इन वेबसाइट्स पे जाइए, फ्री में ट्रेनिंग कीजिए, फ्री में, राइट? स्किल्स गेन कीजिए और वो नए स्किल्स को एक नए बिजनेस के अंदर कन्वर्ट कीजिए। सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप इस वीडियो को यूज़ करते हुए या तो अपने करंट स्किल्स के साथ कोई सक्सेसफुल बिजनेस क्रिएट करेंगे या कोई नए स्किल्स सीख के एक नया बिजनेस क्रिएट करेंगे। तो मुझे बताइए कि ये आपको वीडियो कैसी लगी, नीचे कमेंट्स में आना बताइए, और मुझे ये भी बताइए कि आप और कौन कौन सी वीडियो देखना चाहेंगे, कौन से टॉपिक्स पे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।